हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रोशे का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत टिक्कियाँ बनाई है मैंने क्रोशे की। इससे आप बेडशीट भी बना सकते हैं, इससे टेबल मैट बना सकते हैं, या पूरे टेबल का कवर आप इस पर बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, पिल्लो कवर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इन टिक्कियों को जोड़ के आप बना सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है और इसको आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ये मैंने एक दो कलर में इसको बनाया है, लेकिन एक मैंने और एक टिक्की बनाई है ऐसे। ये मल्टी कलर में देखिए, जो भी आपके पास बची हुई ऊन होती है आप उससे भी इसको बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ऊन हमारे पास कई बार बच जाती है स्वेटर बनाने के बाद, तो आप उनसे भी इसको बना सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखिए बनाया हुआ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इसको बताती हूँ कि कैसे इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ थोड़े से मैं अलग से ऊन हैं बचे हुए, तो मैं इनसे ये बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें ये चार कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं, जो कि देखिए कितना अच्छा बन गया है। आपके पास भी अगर जो भी कलर आपके पास हैं, आप उनको एक बार सोच लीजिए कि आपने कौन सा कलर कहाँ पर लगाना है, तो उसी हिसाब से आप उसको बनाना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कलर से शुरू किया है। ये ऑफ वाइट कलर है, इससे मैंने इसको शुरू किया है। पहले फ्रेंड्स, हम इसमें धागे में पहले छोटी सी यहाँ पे नोट बना लेंगे, गांठ लगा लेंगे इस तरीके से, क्योंकि गांठ लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा जो ये धागा है ये उधड़ सकता है। तो इस तरीके से हम ये गांठ लगा लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे पांच चेन बनानी है। एक हो गई, दो, तीन, चार, ये पाँच। ये पांच मैंने सिंगल चेन यहाँ पे बना दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से ये जो चेन का ये वाला किनारा है, इस पे हम क्रोशियो को डाल के यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे, और ऐसे करके हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको जोड़ लिया। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तीन बार तीन स्टिच लेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया की ही तीन स्टिच लेंगे हम। ये एक हो गई हमारी, उसके बाद फिर से एक बार और इस धागे को हम साथ ही लेते जाएंगे, ताकि हमारी जो ये टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल सफाई से बने। जो धागा हमारा एक्स्ट्रा है जिससे हमने गांठ लगाई थी, ये हमारी दूसरी स्टिच हो गई। उसके बाद एक बार और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये तीन स्टिच यहाँ पे डबल क्रोशिया के हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो चेन लेनी है, एक और ये दो। यहाँ पे मैंने दो चेन ले ली। अब फिर से हम यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये फिर से एक दो और ये तीन। यहाँ पे तीन हो गया। फिर से हम फ्रेंड्स दो चेन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे एक दो, यहाँ पे दो चेन ले ली मैंने। अब फिर से हम तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गया, दो हो गए और ये तीन हो गए। ये तीन हो गए हमारे। उसके बाद एक बार और हम डबल दो चेन लेंगे। एक हो गई, दो, दो चेन ले ली मैंने। अब फिर से हम एक बार और तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे। तो ये एक दो, एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन। ये हमारा तीन बार यहाँ पे हो गया। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो चेन ली है, यहाँ पे ली है और यहाँ पे ली है। ये हमारे चार बन गए ऐसे करके, देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी दो चेन लेंगे। यहाँ पे ये दो चेन ले ली मैंने, और यहाँ पे जो ये वाला है इसके साथ हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे
और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पे भी हमने एक जाली बना दी इसकी। अब सिंगल क्रोशिया करते ही हम फ्रेंड्स इस जाली तक आगे लेके जाएंगे जो हमने यहाँ पे चेन बनाई थी, यहाँ तक हम लेके जाएंगे। तो ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए ये मैं यहाँ तक इसको लेके आएंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन ले ली मैंने। अब फिर से हम यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे तीन बार, एक हो गया, ये दो हो गई, और ये तीसरा हमारा जो हमने यहाँ से तीन चेन यहाँ से उठा रखी होती हैं, तो तीन इसके साथ हमारा ये हो जाता है। उसके बाद हम फिर से दो चेन लेंगे, दो चेन ले ली। अब फिर से हम इसी जाली में फ्रेंड्स फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, जिसमें से हमने अभी तीन यहाँ पे फंदे बनाए हैं डबल क्रोशिया करके, उसी में ही हमने फिर से यहाँ पे फिर से क्रोशिया को इंसर्ट करके इसी में से ही तीन बार डबल क्रोशिया करना है। ये दो हो गया फ्रेंड्स और ये तीन बार हो गया। ये देखिए हमने यहाँ पे एक में एक जाली में ही हमने तीन बार इसको तीन बार यहाँ दो बार यहाँ पे डबल क्रोशिया किया। उसके बाद फिर से हम दो चेन लेंगे, एक होगी दो होगी। अब फिर से जो हमारी अगली जाली है जो हमने यहाँ पे डबल चेन ली है उसके बीच हम क्रोशिया डालेंगे और फिर से यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, तीन फंदे बनाएंगे हम। ये दो हो गए और ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। अब फ्रेंड्स फिर से हम दो चेन लेंगे, सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से, फिर इसी जाली में दोबारा से तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे हम। जब भी हमने धागा काटना है तो दो बार सिंगल चेन यहाँ पे लेके फिर हमने यहाँ से धागा जो है वो काट देना है। थोड़ा सा दूर जाके इसको इस तरीके से धागा हमने ऐसे काट दिया। अब हम दूसरा धागा इसमें लगाएंगे। अब फ्रेंड्स ये मैंने दूसरा धागा ले लिया है और इसमें भी अब हम नोट बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमने ये फूल बनाए हैं अलग से हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हम इसमें से स्टार्ट करेंगे। एक कॉर्नर से कोई भी कॉर्नर ले लेंगे, उसमें से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो धागा हमने थोड़ा सा छोड़ा है इसको भी हम साथ में ले लेंगे। एक बार मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके इसको एक तरह से यहाँ पे गांठ बना दी। अब यहाँ पे तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेके हमने फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे तीन बार हमने इसको डबल क्रोशिया करना है, एक हो गया फ्रेंड्स, दो हो गए और ये तीन हो गए हमारे। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 11 नंबर का क्रोशिया लिया है और अगर आपकी ऊन ज़्यादा मोटी है तो आप इसमें बड़ा क्रोशिया भी ले सकते हैं। अब मैं इस धागे को यहाँ से निकाल रही हूँ और अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फिर से दो चेन बनानी है, हमने अब एक ही बनाना है। इस पर हमारी ये वाली लाइन स्टार्ट हो चुकी है तो हमने अब ये एक बार ही इस जाली में डाल के तीन बार डबल क्रोशिया करना है। अब हम चेन बनाएंगे, एक हो गई, दो दो हो गई, तीन हो गई। यहाँ पे तीन चेन बना दी हमने। अब हम अगली जाली पे जाएंगे, जो हमारी अगली जाली है उस पर हम तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक हो गया, उसके बाद ये दो और ये तीन, ये हमारा तीन बार इसमें हो गया। अब हम फिर से तीन बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पे चेन बनाएंगे, सॉरी तीन बार चेन बना दी, तीन चेन बना दी मैंने यहाँ पे। फिर से हम ये अगली जाली पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने फिर से तीन बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये एक
दो, और ये तीन। अब ये तीन बार हो गया। अब हम फिर से दो चेन लेंगे, यहाँ पे एक और ये दो। मैंने यहाँ पे दो चेन ली। अब फिर से हम इसी जाली में से एक बार और तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो और ये तीन। ये हमारी यहाँ पे तीन होगी। उसके बाद फिर से हम तीन चेन लेंगे, सिंगल चेन लेंगे, तीन चेन होगी। अब फिर से हम यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक हो गया, दो हो गए और ये तीन हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन हो गए। उसके बाद हम फ्रेंड्स यहीं से वापस हो जाएंगे, सॉरी एक बार और हम इसमें ये तीन चेन लेंगे, दो और तीन होगी, और यहाँ पे भी तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे अगली जाली पे, अगले कॉर्नर पे, इसके बिल्कुल सामने। ये हमारा तीन बार यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया। अब फ्रेंड्स हम यहीं से वापस हो जाएंगे, हम आगे को नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ये बनता तो बिल्कुल स्क्वायर है जब बनता है, लेकिन हमने इसको एक साइड को ही बना रखा होता है, आप ये देख पा रहे होंगे। तो हमने एक साइड को ही बना रखा है, तो हम इसको यहीं से वापस हो जाएंगे, हम यहाँ से ही वापस हो जाएंगे। देखिए मैंने इसको उल्टा दिया दूसरी तरफ को। अब हम यहाँ पर तीन चेन लेंगे, तीन चेन ले ली मैंने यहाँ पर। अब ये जो अगली वाली इसकी जाली है, यहाँ से हम तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, और एक कलर का हम दो लाइन बनाएंगे। जो भी कलर बनाना चाह आप लेते हैं उसकी आप दो लाइनें बना दें, दो हो गए फ्रेंड्स। और ये अगले धागे को इसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था। तो ये धागे को आपस में ऐसे पकड़ के और इस जाली में से एक बार सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर लें, जिससे यहाँ पे हमारा ये जुड़ जाएगा। ये देखिए ये हमारा जुड़ गया। उसके बाद तीन चेन लेके, दो हो गई, तीन हो गई, तीन चेन लेके यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे हम। ये हो गया, एक हो गई, दो हो गई एक तरह से, क्योंकि एक बार जो हमने तीन चेन ली होती हैं उसका भी एक फंदा बन जाता है। ये देखिए, उसके बाद एक बार और। अब हम दो चेन का तीन चेन करेंगे यहाँ पे, सिंगल तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेके हम अगले वाले पे यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे। सेम वैसे ही करना है हमने जैसे हम नीचे से करते आ रहे हैं। ये देखिए, इसको अब मैं काट रही हूँ, क्योंकि ये मैंने बीच में जितना बुनना था बुना लिया, अब ये सेट हो गया। तो यहाँ पे तीन बार, ये देखिए ये तीन बार हो गया हमारा। उसके बाद फिर से डबल चेन और फिर से यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही फ्रेंड्स हमने इसको आगे तक लेके जाना है। यहाँ पे हमने एक ही जाली में, ये हमारा कॉर्नर आ रहा है, तो इसमें एक एक जाली में हमने छः बार डबल क्रोशिया करना है, बीच में दो चेन लेके, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमने आगे तक जाना है, फिर एक रंग से हमने दो लाइनें ही बनानी हैं, हर कलर से हमने दो लाइनें बनानी हैं। तो यहाँ पर
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें तीसरा धागा भी जोड़ लिया है और सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम नीचे से बनाते आ रहे हैं अभी तक। तो इसके बाद हमने ये इसको कंप्लीट करके फिर मैं अगली वाली जो लास्ट लाइन है वो आपको बताती हूँ और आपको जॉइंट करना भी इसमें बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही इसको बनाएं, बस सेम वही प्रोसेस है जो हम नीचे से करते आ रहे हैं। वही तीन तीन बार यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है, तीन चेन लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके इस कॉर्नर पे आ गई हूँ जहाँ तक हम पहले बना रहे थे, उस कॉर्नर तक मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यही देखिए यहाँ पे एक जादू हो जाएगा कि ये बिल्कुल हमारा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने इस साइड को भी सेम ऐसे ही हमने बनाते चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए हमने कैसे बनाना है, यहाँ पर डबल चेन लेंगे हम इस कॉर्नर पर। अब हमारा यहाँ पर भी ऐसा ही कॉर्नर आ जाएगा, जैसा ये वाला कॉर्नर है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी कॉर्नर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये डबल चेन लेंगे और यहाँ पे इसी ही इसी जाली के बीच में हमने, इस चेन के बीच में ही हमने तीन बार फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए एक हो गया, ये दो हो गए, यहाँ पे दो हो गए, अब ये तीन हो गए, ये तीन बार यहाँ पे हो गया। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर बन गया। अब हम फिर से चेन लेंगे, तीन चेन लेंगे यहाँ पे, और जो अगला वाला ये वाला है आपको अपने आप यहाँ पे समझ आता चला जाएगा कि जो अगला यहाँ पे जाली आती है इसके पैरों पे हमने यहाँ पर यहाँ बनाते चले जाना है। यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर जैसा ही बनता चला जाएगा, दो दो एक के बीच में आते चले जाएंगे। ये एक पहले से बना रखा है हमने और एक हम अब बना देंगे। तीन बार डबल क्रोशिया यहाँ पे भी करना है। ये देखिए यहाँ भी हो गया। उसके बाद फिर से हम चेन लेंगे और अगले वाले होल में यहाँ पे फिर से बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे भी तीन बार डबल क्रोशिया। ये देखिए उसके बाद फिर से चेन लेंगे और अगले वाले इसमें भी हम, अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पे बनाते आ रहे थे, इस किनारे पे बनाते आ रहे थे दो बार एक चेन में, दो बार एक चेन लेके छह बार यहाँ पे डबल क्रोशिया किया था हमने, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। करेंगे तीन बार। ये देखिए ये हो गया तीन बार। फिर से हम यहाँ पे चेन लेंगे और जो आगे हमारी जाली है ये वाली जाली, इसके बीच में हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे तीन बार। दो हो गए, दो और ये तीन। ये देखिए और इसके बाद हम फिर से चेन लेंगे और अगले वाले होल में हर लाइन के पास हमने तीन बार डबल क्रोशिया करना है। ये हो गया हमारा तीन बार यहाँ पर भी। अब हम फिर से चेन लेंगे, तीन चेन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तीन बार डबल क्रोशिया, ये हमारा कॉर्नर, लास्ट कॉर्नर आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे दो चेन लेंगे, ये सेम वही है हमारा जो यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर आया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आएगा। दो चेन ले ली हमने, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया कर, ये
सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पे इसको हमने ऐसे ज्वाइंट कर दिया। अब इसको दो चेन लेके, फ्रेंड्स जब भी धागे को आप कट करें आप दो चेन ज़रूर लें। दो चेन ले ली मैंने यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ी दूर से ऐसे कट कर देंगे और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। तो हमारी ये टिक्की जो है देखिए कंप्लीट हो गई बिल्कुल। ये देखिए हमारी टिक्की बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हमारा ये जो धागा है, ये जो धागा है फ्रेंड्स, इसको हम बैक साइड पे ऐसे करके कहीं से भी इसको दो तीन बार ऐसे इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट देंगे। हमारा ये हमने ऐसे सेट कर दिया। ये देखिए हमारी ये टिक्की भी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आती है इनको जोड़ने की बारी, तो वो भी मैं आपको अभी जोड़ के इनको बताती हूँ। अब फ्रेंड्स ये मैंने टिक्कियाँ बहुत सारी बना रखी हैं, तो ये मैंने पूरा एक मैट बनाया हुआ है, तो इसको अब हम जोड़ना इसी पे सीख लेते हैं क्योंकि ये हमारी कंप्लीट हैं। और ये वाली जो हैं वो मैंने अभी थोड़ी ही बनाई हैं, तो इस पे सीख लेते हैं। इसमें एक चीज़ ये है फ्रेंड्स कि ये देखिए ये हमारा एक साइड को है ये डिज़ाइन। आप पहले तो उल्टी सीधी आप ये टिक्की देख लें कि हमारा ये किनारा जो है ये उल्टा है और ये है सीधा। तो इसको आप अब दो तरह से अपना ये डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि इसका जो ये डिज़ाइन आता है वो इस तरह से आता है और इस तरीके से आता है। आप इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, इनको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं सारी टिक्कियों को। ये आप ऐसे भी अपना ये डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस साइड को भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनको आप ये जो फूल हैं इनको आप एक साइड को रख के भी ऐसे आप बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए आप ये डिज़ाइन अपना इस तरह से भी ये डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से भी इस डिज़ाइन को आप दे सकते हैं। तो ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसमें हमारे बॉक्स बन रहे हैं। तो अगर हम टेबल मैट बनाते हैं या कुशन बनाते हैं या पिल्लो बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो हमारा ये इस तरीके से आ जाता है। ये देखिए ये हमारा ऐसे आ जाता है, इनको हम जोड़ते हैं तो इस तरह से आ जाता है, बॉक्स हमारे बनते चले जाएंगे इसमें। और अगर आप ऐसे जोड़ना चाहते हैं तो ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगता है और बिल्कुल अलग लगता है। अगर ऐसे जोड़ना चाहते हैं तो बहुत ही अलग लगेगा। अगर आप ये बेडशीट बनाएं या आप कुछ भी बड़ा कोई भी अपना प्रोजेक्ट जो भी बनाएं उस पे आप इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो ये अलग ही लगेगा, बिल्कुल अलग लगेगा ये, इस पे पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। ये देखिए आप इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स अब आप पहले ऐसे रख लें कि आपको कैसे जोड़ना है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं जोड़ना। क्योंकि हमने इसको ऐसे जैसे मैंने ये रखा है, इसको हम अब हम इन दोनों को ऐसे कर देंगे, इस तरीके से रख देंगे क्योंकि हमने इनके मुंह जो हैं इस तरफ को करने हैं। तो इनको ऐसे रख लें और फिर उसके बाद हमने ऐसे पकड़ना है इनको। आप चाहें तो इनको फ्रेंड्स आप सुई से भी जोड़ सकते हैं, जो हमारी ये वुलन वाली जो सुई होती है जिससे आप स्वेटर वगैरह सिलते हैं आप उनसे भी जोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप क्रोशिया से भी इनको जोड़ सकते हैं। दोनों से ही ये बहुत इजी है इसको जोड़ना। तो ऐसे आप धागे को ले लें और तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको ले लिया है और ये मैंने धागा ले लिया है क्रोशिया के साथ। तो क्रोशिया के साथ भी आप इसको बहुत इजीली आप जोड़ सकते हैं। यहाँ से एक फंदा उठाइए और आप यहाँ से उठाइए, बाहर से आप इसको उठाएंगे और ये ऐसे करके एक बार सिंगल ऐसे क्रोशिया को निकालते हुए आप इसको ऐसे घटाते चले जाएं। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे आगे से आप एक बाहर का फंदा उठाइए और एक आप इधर से उठाइए और उसके बाद आप इनको ऐसे चले जाएं जोड़ते हुए। उसके बाद फिर से आप वही बाहर का फंदा ऐसे उठा के ऐसे
ये यहाँ पे बाहर के फंदे ऐसे उठा के आप इनको सिंगल क्रोशिया करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ऐसे ही फ्रेंड्स आप अपने प्रोजेक्ट को जोड़ लें, या सुई से आप कंफर्टेबल हो तो आप सुई से भी इसको जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे लूज़ रखिए, ज़्यादा टाइट ना करें, नहीं तो थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा फिर सफाई से नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसको जोड़ लिया है, मैंने अभी दो ही टिक्कियाँ आपको जोड़ के दिखाई हैं। और उसके ऊपर अब हमने जो इसकी किनारी बनानी है, इसमें आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम लगा लीजिए, या आप एक झालर जैसे इसमें बना के लगा सकते हैं, लेकिन मैं जैसे एक छोटी छोटी यहाँ पे क्रोशिया की ही हम बना के इसमें बारीक बारीक झालर सी बना देते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है बारीक सी यहाँ पे लेस। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें वाइट धागे की ही इसमें अच्छी लगेगी, क्योंकि ब्लैक का तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा इस पर। तो ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो जो हमारी जालियाँ बनी हुई हैं हम इनमें ही स्टार्ट करेंगे इनको। तो ऐसे हम इसमें फ्रेंड्स चार चार बार एक जाली में ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे, चार बार, एक बार एक जाली में चार बार करेंगे। तो ये तीन हो चुका है, ये हो गया चार बार, चार बार हमारा डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट जाली में जाएंगे तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया एक बार करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमने जाली नहीं बनानी है, सॉरी चेन नहीं लेनी यहाँ पे हमने, तो ऐसे कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। जब हम दूसरी जाली में जाएंगे फ्रेंड्स तो हमने सिंगल क्रोशिया करना है यहाँ पे, और अब हम चार बार इसको एक जाली में ऐसे बनाएंगे। तीन बार हो गया, ये चार बार हो गया, चार बार हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से हम अगली जाली में जाएंगे तो ये क्रोशिया को इस तरीके से ये नहीं लेंगे, जो इसमें हम धागे को घुमाते हैं क्रोशिया के ऊपर से, वो नहीं घुमाएंगे हम। हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे अगले जाली में इंसर्ट करके क्रोशिया को और इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल देखिए ऐसे बनता चला जाएगा ये। उसके बाद हम यहाँ पे चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो हो गए, और ये तीन, और ये चार। चार हो गए, बस सेम वही आगे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे करके। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे ये झालर बन गया हमारा। बस मैं ऐसे ही जब मैं ये सारे जॉइंट कर लूँगी फिर इसी तरीके से अपना ये प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म करूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स बना हुआ, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू।